और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया हो गए। स्वागत है आप सभी का सोलो कांग्रेस रैंक पुश वीडियो में। अब सबसे पहले इंट्रो कहाँ गया, इंट्रो गया अपनी ऐसी तैसी कराने। अरे भैया तुम पिक्चर देखो बे, पिक्चर तुम्हारे मैंने जॉर्ड लेवल बनाई है तो इंट्रो का क्या ही करोगे, है ना। आज की वीडियो रहने वाले दो गेम प्ले, दो जॉर्ड लेवल गेम प्ले, एक्स्ट्रा चिकन मार के दोनों गेम चिकन। बस अब जाके थोड़ा माहौल शांत हुआ, जैसे तैसे बच गया तुम्हारा ही। अपने देखो अच्छा खासा खाता आता खुल गया, अभी देखो कैसे नेक्स्ट लेवल तबाही मचाई जाएगी। और आज की वीडियो में देखो मेन बातचीत करी जाएगी और मेन तुम्हें दिखाया जाएगा कि हाई प्लस कैसे मिलता है और कैसे निकाला जाता है। अभी तुम लोग खुद देखोगे कि मुझे कितना कितना प्लस मिल रहा है कॉन्क्रीट टियर पे और मुझे इतना ज्यादा प्लस कैसे मिल रहा है वो भी तुम्हारा ही बताएगा, और मेन खेलने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी बताऊंगा। तो बस वीडियो का एंड तक देखना। जॉर्ड स्मोक में एडजस्ट बोलते हैं, अभी भाई साहब को निपटा के अपने अच्छे खास से दो किलो गए थे। अभी तो देखो इवेंट खाली करा जाएगा अच्छे से, और तुम्हारा ये कपड़े वपड़े बदलता रहता है, टोने टोट के करता रहता ना मैं जब मैचेस अच्छे नहीं जाते हैं। अब आगे देखो काफी सारे भाई अपने ये बोल रहे थे भाई मुझे 100 का माइनस लग गया, मुझे 150 का माइनस लग गया। भाई जब तुम्हें एक मैच माइनस लग जाता है तो उसके बाद खेला ही मत करो ना, सिंपल। कल का दिन ना मेरा इतना ज्यादा बेकार गया, वरना आज तुम्हारा टॉप 20 में या फिर टॉप 30 में बैठा होता लीडर बोर्ड में, अभी मैं टॉप 50 के आसपास हूं। अब कल मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मैच खेले सोलो के, जाके कर रिजल्ट भी देख सकते हो। पहला मैच तुम्हारे मैंने लॉबी का सुअर भर दिया, 14 किल चिकन, 37 का प्लस कॉन्क्रीट ईयर पे, ठीक है। पहला मैच अब इतना बढ़िया गया तुम्हारा और सुअर भरता है। दूसरे मैच में सर्वर फीस आया, एंट्री हुई, कनेक्शन टू सर्वर लॉस, उसके बाद बाहर फेंक दिया। उसके बाद तीसरा मैच लगाया, उसमें भी सर्वर फीस वाला दल्ला दोबारा से आ गया और उसमें भी एंट्री नहीं मिली, तो उसमें भी माइनस पड़ा। मेरे दोनों रेटिंग प्रोटेक्शन चले गए। अब अगर मैंने खेला और माइनस पड़ा तो सीधा 45-50 का फटका पड़ेगा, उससे अच्छा भैया रेस्ट करो, एक दिन जिंदगी के मजे मारो, अगले दिन से दोबारा शुरू करेंगे। तो भाई माइनस से अच्छा है कि थोड़ा रेस्ट ले लो, क्योंकि माइनस हो गए तो उल्टा नीचे जाओगे, उससे अच्छा जहां पर हो वहीं पर रहो, है ना। तो तुम्हारा ही नहीं खेलता फिर जब मेरा दिमाग खराब होता है, मैंने नहीं खेला कल के दिन में, लाइव भी इसलिए नहीं आया। उसके बाद देखो आज के दिन में भी ठीक ठाक प्लस कर दिया है, आज कुत्ता भरा जाएगा, आज लाइव भी आएंगे। अब ये भाई साहब ने अपने को अच्छा खासा डैमेज तो दे दिया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने फिर भी एकदम आराम से निपटा दिया। अभी भाई साहब को निपटाने के बाद अच्छा खासा 4 किलो के थे। अब उसके बाद देखो अभी टोटल और कितने किल्स निकाले जाएंगे, और मेन प्लस मिलता है आप लोगों को किल्स और पोजीशन के बेसिस पे, और किल्स वो होते हैं जो कि अगर अच्छे बंदे मारे हैं ना, अच्छे बंदे मतलब देखो मैंने ना ये चीज नोटिस करी, अगर तुमने 10 किल इवेंट पे निकाल लिया या फिर 10 बॉट मार के तुम्हारे 10 किलो और लास्ट में तुम चिकन निकाल रहे हो एक आधे बंदे को मार के, तो तुम्हें कम प्लस मिलेगा। और वहीं अगर तुम्हारे इवेंट पे 0 किले, स्टार्टिंग में 0 किले और लास्ट जोन में तुम 10 बंदे मार के चिकन निकाल रहे हो तो तुम्हें ज्यादा प्लस मिलेगा। क्योंकि देखो हर बंदे को पॉइंट्स मिलते हैं किल्स और सर्वाइवल पे। अब किसी सामने वाले बंदे को भी किल्स के पॉइंट मिलेंगे और तुमने उसको मारा तो उसका भी फर्क पड़ता है, मैंने ये चीज नोटिस करी है। क्योंकि ज्यादातर तुम्हारा लास्ट जोन में ही किल्स निकालता है और मेरे को हमेशा ज्यादा प्लस मिलता है बाकी बंदों के हिसाब से। तो मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ कि फालतू का फाइट में मत पड़ो, अपना मेन सेफ खेलो और लास्ट जोन तक ना अपनी पोजीशन होल्ड करो, किल्स खुद मिल जाएंगे। अब देखो उभरते हुए भारत के अखंड प्रो प्लेयर ने यहाँ पे ना 2 कार स्प्रे हक दिए। अब देखो तुम्हारे भाई ने 2 कार इस पर हगने के बाद मैं समझ तो गया था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और दिक्कत है यहाँ पे अपने एक्सूट की। तो भैया एक्सूट लगाया जाए और उसके बाद देखा जाए कार इस पर, है ना। अब देखो तुम्हारे जैसे एक्सूट पहनते हैं पहली रोटेशन आती है और उस रोटेशन का हाल देखो। हाँ तो भैया मर्जी ठीक है थे। अब इन भाई साहब को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 6 किलो गए थे, और बहुत से बंदे बोलते हैं भाई तुम्हें इतना आराम से किल्स कैसे मिल जाते हैं, मेन तुम्हारा भाई पोजीशन होल्ड करने पे ध्यान देता है। मेरे को पोजीशन जोन सी चाहिए वो चाहिए, ठीक है, तुम्हारे डायरेक्ट पुश करता है और वहां पे अगर बंदा है तो फिर फाइट ली जाएगी, वरना मेरे को पोजीशन चाहिए। और मेरी इसी चूल के चक्कर में काफी सारे मैचेस मेरे एकदम जॉर्ड लेवल जाते हैं और काफी सारे मैचेस खराब भी जाते हैं, क्योंकि टॉप 30 में आके तुम्हारा ठिल जाता है। हर बार थोड़ी पोजीशन खाली करवा लोगे, सामने वाला बंदा भी तो खेलेगा तो तुम्हारा ही काफी कभी कभार ठिल जाता है। लेकिन देखो वहां पे ठिलने में कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 का प्लस ही मिल जाता है। बाकी लास्ट जोन एक्टिव होके खेलोगे ना तो भैया किल एकदम फ्री के मिलते हैं। अभी देखो सेकंड वाला गेम पे दिखाएगा तुम्हारा है कि पोजीशन अगर तुमने होल्ड कर रखी और तुम्हें होल्ड करनी आती है, तुम्हारा ध्यान है हर जगह, तो तुम कैसे किल्स उठा सकते हो। तुम्हारे भाई ने 4 से 5 किल विद इन सेकंड्स उठाए हैं। अब बाकी देख रहे हो पीछे की साइड में अभी अभी तुम्हारा भाई पूरा क्लियर करके आया, अब सामने की साइड में बंदा है तो 1 नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा उठाने के लिए विद जिंदगी। और इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत से तुम्हारा भाई किल्स निकाल रहा है अभी, प्लस देखना अभी मेन तो सेकंड गेम प्ले वो देखना, लेकिन फिर भी तुम लोगों पे लाइक नहीं होता है। सेकंड वाला गेम प्ले देखने के बाद लाइक कर देना।
अब इन भाई साहब को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, मुझे मालूम था ये भाई साहब तो जोन से ही जाएंगे। और अब मेरे अलावा लास्ट बंदा आके जिसके हाथ में है DBS इक्वल्स टू मेरी मौत, है ना, क्योंकि आजकल मेरी शॉटगन तो अच्छी चल रही है, तो चल रही है, लेकिन सामने वाले बंदे की और ज्यादा अच्छी चल रही है मेरे से। तो देखो अब तुम्हारे डायरेक्ट पुश कर देता है। एक तो मेरा साबुन कितना ज्यादा स्लो है, बंदे को नॉक देने के बाद तो मैं ड्रॉप शॉट दे रहा हूँ, फिर क्या फायदा है भाई, अब तो नॉक हो गया पहले देना होता है। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा ने एकदम प्यार मोहब्बत से धर लिया, अपने अच्छा खासा नॉक किल चिकन हो जाता है। प्लस देखो बे, देख रहे हो कॉन्क्रीट ईयर पे 32 का प्लस, मजाक हो रहा है क्या? हाँ भैया मजाक हो रहा है, तुम्हारा भाई निकाल देता है। अभी देखो अभी इससे ज्यादा निकाला जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी बातचीत कर लीजिए अपने सेकंड गेम प्ले की। इसमें तुम्हारे भाई ने डबल तबाही मचाई है, देखते जाओ। और आप लोगों को हाई प्लस के लिए क्या करना है दोबारा बता दे रहा हूँ, इवेंट्स पे किल निकालने का ट्राई करो, उसके बाद बिल्कुल सेफ और लास्ट जोन में मेन पोजीशन के लिए खेलो। और सबसे मेन चीज है जी ट्वाइटी की वीडियो को लाइक कर देना, सालो इतने अच्छा कंटेंट ला रहा है यार। अरे यार मैं यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि भैया जी अब आएंगे, इन्हें तो पहले ही धर लिया गया पहले ही। भाई देखो यहाँ पे जो भी सीन हुआ है उसे ना जस्ट इग्नोर सिली थिंग्स कर दो, क्योंकि एक तो मेरे पे डीपी ना चलाई जा रही, दूसरा मेरा टच ढंग से काम नहीं कर रहा, इतना बेकार जिगल हो रहा था भाई। अब देखो 90% इवेंट पे मेरे को ऐसे ही धरा जाता है कहीं ना कहीं से। अब तुम्हारा भाई बच गया तो सामने वाला बंदा बचेगा नहीं, सिंपल सी बातचीत है, बड़ो वाली बातचीत, देखते जाओ बस। अभी प्रवीण भाई साहब को भी एकदम आराम से निपटा दिया था, तो देख रहे हो अब तुम्हारा भाई फाइट में थोड़ा बहुत ऐसे टाइम ले रहा है, तो एकदम आराम से निपटा दे रहे विदाउट टेकिंग अ सिंगल एचपी डैमेज। बहुत बढ़िया। सामने वाले भाई साहब काफी ज्यादा बढ़िया खेल गए, उन्होंने पहले नेट कुक कर लिया, मेरे को जब तक साउंड आया जब तक तुम्हारा इन्हें नेट निकाले ही था, लेकिन अपन धर लिए गए तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर सिली थिंग्स। उसके बाद देखो तुम्हारा भाई जाता है दूसरे वाले इवेंट पे, आज मेरा कद्दू खेले सेफ है ना। देखो मेरे को भैया मायने से डर ही नहीं लगता, मेरे को मेन दिमाग खराब हो जाता है जब मैं सर्वर फीस की वजह से मरता हूं, उसमें भी दिमाग ये खराब होता है, मैं इरिटेट हो जाता हूं कि भाई बिना खेले माइनस पड़ रहा है, बिना खेले एंट्री तक नहीं हुई है भाई, क्या एकदम खत्म गेम है। अभी देखो अब अपन दूसरे वाले इवेंट पे आ गए, अब अपनी ना थोड़ी सी चुल दबानी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास में रिकॉल नहीं है और भगवान की पास एक नेट मिल गया तो एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा हटाने के लिए विद जिंदगी। अब इन भाई साहब को निपटाने के बाद अपने अच्छे खासे 4 किल हो गए, तो और लूट भी अच्छी खासी कंप्लीट हो जाती है। और देखो अगर सेकंड वाले इवेंट पे आ रहे हो तो सबसे मेन फोकस रहना चाहिए रिकॉल उठाने का, सबसे पहले आप लोगों को रिकॉल उठाने का ट्राई करना है। अब एक ही रिकॉल बाकी था, अपनी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे भाई ने आके उठा लिया, उसके बाद देखो अब खाली करी जाएगी लॉबी। अब ये भाई साहब ने भी काफी ज्यादा किलफिट चमकाई थी, ये भाई साहब अभी अभी ड्रैकुला और ड्रैकुलाइन मार के आए थे, तुम्हारे भाई ने भैया जी को धर लिया एकदम प्यार से, अपने अच्छे खासे 5 किल हो गए थे। अभी तो देखो शुरुआत है, अभी तो 1/3 किल भी नहीं हुए हैं। अब देखो क्राफ्टन की मैडम का छोटा मोटा से गिफ्ट लेके अपने अच्छे खासे 6 किल हो गए, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब MG चली जाएगी अपने हाथ से, अगर अपन ठिल ठिला गए तो तुम्हारा भी शांति जा रहा था, लेकिन सामने की साइड से एक भैया जी के मटकने का हल्का सा साउंड आ जाता, तो भैया अब तुम मटके हो तो भटकोगे भी है ना, तो देखो अब निपटाया जाएगा एकदम प्यार से।
अब इन भाई साहब को भी एकदम आराम से धर लिया था अपने, अच्छा 7 किलो जाते थाला फॉर ए रीजन। अब चलते सीधा एंड सर्कल में क्योंकि अब यहाँ पे घंटा कोई नहीं बचा। अब देख सकते हो थर्ड सर्कल बना नहीं कि तुम्हारा भाई सीधा जोन के सेंटर में आ जाता। अभी अभी के लिए बेस्ट पोजीशन थी। अब यहाँ पे मैं होल्ड करने के लिए आया तब यहाँ पे एक कैंपर भाई साहब थे जो कि काफी देर तक तो हिलते नहीं है। अब भैया ऐसे थोड़ी सेंटर होल्ड करा जाता है, तुम पे कोई पुश कर रहा है तो भैया कार स्प्रे लेना चाहिए। अब देखो अगर तुम लोगों ने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी और तुम स्प्रे लोगे तो भैया 90% जो बंदे हैं ना वो वहां पे आएंगे ही नहीं। मतलब देखो मेरे जैसे तो चुलवादी इंसान होते हैं वो तो आएंगे भैया। मैं तो भैया एकदम दिमाग में सोच के आता हूँ कि बंदा होगा, मैं एकदम अंधी गाड़ी घुसेड़ देता हूँ। बाकी देखो अब तुम्हारे भाई ने जोन का सेंटर होल्ड कर दिया है। अब देखो अब कोई बंदा आएगा ही नहीं क्योंकि मैं फायर लेता रहता हूँ ना, या फिर ये भी कह सकते हो तुम्हारा आने ही नहीं देता है, पहुंच ही नहीं पाता कोई मेरे तक यार, क्या कर सकते हैं भाई साहब। देखो लास्ट जोन में अगर तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी नहीं है ना तो ठिलोगे ही ठिलोगे, क्योंकि लास्ट जोन में अगर तुम लोगों बीच से निकल रहे हो और तुम्हारी ड्राइविंग ऐसी है कि गाड़ी ठुक ठुक आ गई या फिर धीरे चल रही है तो भैया कोई ना कोई उतार ही देगा। बाकी देखो आई बिलीव इन इक्वालिटी है ना, तुम्हारा भी भेदभाव नहीं करता भाई, मेरे सामने से तेज गाड़ी भी निकालोगे तब भी उतार देता मैं तुम्हारा, एक गुद्दी पकड़ के बंदा गाड़ी से बाहर कर देता एकदम प्यार से। अब देखो अब तुम्हें लास्ट जोन की पोजीशन का खेल दिखाऊं, हर जगह ध्यान देने का खेल दिखाऊं, टोटल किल्स देखना अभी मेरे। अबे जंगली सुअर आदमी मुश्किल से 1 HP बचा होगा, मुश्किल से इतनी सारी गोलियां मारी है मैंने। देख रहे हो तुम्हारे भाई ने पूरी लॉबी 2 सेकंड में खाली कर दी, 2 सेकंड में भैया तुम्हारे भाई ने जो किल्स उठाए हैं 4 किल्स एकदम अपनी झोली में। हेलो अब अपने अलावा लास्ट के 2 बंदे बाकी थे जिनमें से एक अपने सब्सक्राइबर भैया जी थे, अभी ऐसे जंगली सुअर बन के ही आए थे। तो अभी भैया जी से थोड़ी देर बातचीत करते हैं, अब हम दोनों पे ही जोन नहीं है, सामने वाले बंदे पे जोन है, तो तुम्हारा ही शांति निकल जाता है फाइट लेने के लिए। अब भाई देख रहे हो मैंने इतने सारे एकदम एग्जैक्ट नेड मारे लेकिन ये भाई साहब फूट ही नहीं रहते। उसके बाद तुम्हारे भाई पेटी भी लूट के आता है ये बगल वाली, उसके बाद फिर नेड मार, तो देखो तुम सीन देखो। अब भाई एक आधा नेड क्योंकि दूरी ज्यादा है तो ओवरकुक हो गया था, लेकिन भाई एकदम परफेक्ट नेड मारो, बंदा फूट ही नहीं रहा, फूट ही नहीं रहा। अभी भाई साहब ने अपने को नॉक दे दिया लेकिन अपने सब्सक्राइबर भैया जी के नेट से ये भाई साहब सही मौके पे फूट जाते, तो उसके बाद तुम्हारा रिवाइव होकर थोड़ी देर बातचीत करता। और ये भैया जी काफी ज्यादा बढ़िया थे क्योंकि सामने से चिकन दे देते हैं अपने को लीडर बोर्ड में। देखो और ऊपर जाना है तो सामने से चिकन मिल रहा है तो अपन मना थोड़ी करेंगे, वैसे हर सीजन तुम्हारा भाई पैन फाइट करके लेता था लेकिन लेता क्या था, चिकन दे के आता था मैं तो कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर सीटिंग कर लेंगे अपन, तुम दो तो चिकन तो दो। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सर भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी प्लस देखते जाओ भाई।